2018 में बीजेपी की राजनीति से ऐसा क्या हुआ था खेल, 2024 में अब वैसा ही कुछ होने का शक होने लगा। बीजेपी के थिंक टैंक के सपने में 2018 में सपा के तेवर आने लगे। अखिलेश के 2018 वाले रूप को देखकर डरे बीजेपी के रणनीतिकार, बीजेपी को होने लगा महसूस 2024 में 2018 वाला ही मामला होने वाला है। लखनऊ से दिल्ली तक प्लान फतेह में जुटा थिंक टैंक। लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी में इस बात की चर्चा है 2024 में कहीं 2018 वाला उनकी पार्टी के साथ खेल न हो जाए। अगर खेल हो गया तो बीजेपी के खिलाफ दो बातें तय हो जाएंगी। पहला, उत्तर प्रदेश के लोगों के दिलो दिमाग से बीजेपी की राजनीति को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। दूसरा, अखिलेश की राजनीति अब यूपी के लोगों के मन में बस गई है, जिसे यूपी के लोग तब तक अपने जहन में रखेंगे जब तक 2027 में वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना देते। अब दो बातें ऐसी हैं जिसे बीजेपी किसी भी तरह से होने नहीं देना चाहती। अगर ऐसा हो गया तो बीजेपी की राजनीति का मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब वैसे 2018 में बीजेपी के साथ जो यूपी में खेल हुआ था उससे तत्कालिक फजीहत तो हुई थी, लेकिन उसका कंप्लीटली फायदा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी राजनीति से नहीं उठा पाए थे। लेकिन इस बार 2024 में सियासी स्थिति अलग है, पिछली बार से बिल्कुल ही अलहदा है। दरअसल यूपी में 10 विधानसभा सीट जिसमें वेस्ट यूपी की 4 सीटें हैं, यहां पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जिस शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी मंथन और तैयारी कर रही है उसके पीछे अकेले लोकसभा के चुनाव में उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं आने के साथ ही 2024 में 2018 दोहराए जाने का भी डर है। सियासी हलकों में कहावत है कि उपचुनाव सत्ता के असर का होता है, लेकिन सत्ता रहते कैराना, बिजनौर, गोरखपुर, फूलपुर 4 सीट पर भाजपा 2018 में उपचुनाव हार गई थी। इसीलिए इस बार लोकसभा में बड़ा झटका लगने के बाद जल्द होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव पर जीत को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। 2024 के लोकसभा चुनाव में वेस्ट यूपी में खास सीटें मुजफ्फरनगर, कैराना, मुरादाबाद, सहारनपुर, रामपुर, संभल, बदायूं भाजपा हारी, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, फतेहपुर सीकरी भाजपा और बागपत, बिजनौर उसके सहयोगी रालोद ने जीती। इन हारने वाली सीटों के क्षेत्र से ही कांवड़ यात्रा ज्यादातर निकलती है। इन सीटों के जिलों की बात करें तो मुजफ्फरनगर जिले की 6, मेरठ की 7, मुरादाबाद की 6, सहारनपुर की 7, बिजनौर की 8, हाथरस की 3, हापुड़ की 3, शामली की 3, बुलंदशहर की 7, गाजियाबाद की 5, बागपत की 3। ऐसे रामपुर, संभल, बदायूं की कई विधानसभा सीटों पर कांवड़ यात्रा का असर माना जाता है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश थी कि एक बार फिर से ध्रुवीकरण का कार्ड खेलकर उपचुनाव में माहौल बनाया जाए, क्योंकि 2018 में हुए उपचुनाव में भाजपा बिजनौर, कैराना, गोरखपुर, फूलपुर उपचुनाव हार गई थी। अब देखने वाली बात यह कि अभी कांवड़ यात्रा रूट को लेकर जो बीजेपी ने अपनी चाल चली उसका यहां की जनता पर कितना असर हुआ, या फिर जनता अब समझ चुकी है बीजेपी अगर कोई फैसला लेती है तो उसके पीछे क्या मकसद होता है।